जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं आज सोमवार के दिन भगवान शिव और चंद्रदेव की यह कथा। हिंदू धर्म में अनेक देवी देवता हैं। उन सभी देवी देवताओं में भोलेनाथ की वेशभूषा सबसे अलग और रहस्यमयी भी है। भगवान शंकर की वेशभूषा के पीछे अत्यंत गहरे अर्थ छिपे हुए हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान शंकर के वेशभूषा से जुड़े प्रतीकों के रहस्यों को जान लेने मात्र से ही मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शंकर की वेशभूषा ऐसी है कि प्रत्येक धर्म का व्यक्ति उनमें अपना प्रतीक ढूंढ सकता है। शास्त्रों के अनुसार चंद्रदेव का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 नक्षत्र कन्याओं के साथ संपन्न हुआ। इनमें चंद्र एवं रोहिणी बहुत सुंदर थी। इस कारण चंद्र का रोहिणी पर अधिक स्नेह था। यह देख शेष कन्याओं ने अपना दुख दक्ष प्रजापति के समक्ष प्रकट किया। दक्ष स्वभाव से ही क्रोधी थे और उन्होंने जब अपनी कन्याओं के दुख को सुना तो वे क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर उन्होंने चंद्र को श्राप दिया कि तुम क्षय रोग से ग्रस्त हो जाओगे। और दक्ष के श्राप के फलस्वरूप चंद्र क्षय रोग से ग्रसित होने लगे और उनकी सभी कलाएं धीरे धीरे छिड़ होना प्रारंभ हो गई। नारद जी ने चंद्रदेव को मृत्युंजय भगवान आशुतोष की आराधना करने के लिए कहा। उसके बाद उन्होंने भगवान आशुतोष की आराधना की। चंद्रदेव जब अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे तब भगवान शिव प्रदोष काल में चंद्र को पुनर्जीवन का वरदान देकर चंद्र की अंतिम एक धारी को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। अर्थात चंद्र मृत्यु तुल्य होते हुए भी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए। यह सब शिव जी के मस्तक पर धारण करने के कारण हुआ। पुनः धीरे धीरे चंद्रदेव स्वस्थ होने लगे और पूर्णमासी पर पूर्ण चंद्र के रूप में प्रकट हो गए। चंद्र जब क्षय रोग से पीड़ित होकर मृत्युतुल्य कष्टों को भोग रहे थे और भगवान शिव ने ही उस दोष का निवारण किया और उन्हें पुनः जीवन प्रदान किया। अतः हमें उस शिव जी की आराधना करनी चाहिए क्योंकि उन्होंने मृत्यु को पहुंचे हुए चंद्र को मस्तक पर धारण किया था। अतः वे किसी भी मनुष्य का उद्धार कर सकते हैं। एक और कथा के अनुसार एक बार चंद्रदेव बिहार पर निकले थे। तभी उनकी नजर कुछ कन्याओं पर पड़ी जो अत्यंत थी रूपवान थी। चंद्रदेव उनके प्रति मोहित हो गए और अपने वाहन से उतरकर वह कन्याओं के पास पहुंच गए। वहां पहुंचने पर पता चला कि सभी कन्याएं दक्ष प्रजापति की हैं। उनकी सबसे बड़ी पुत्री रोहिणी चंद्रदेव के पास पहुंची और उन्हें देखती ही रह गई। उसी क्षण उनके मन में चंद्रदेव से विवाह का ख्याल आया। लेकिन यही विचार उनकी अन्य बहनों के मन में भी आया। कथा के मुताबिक जब चंद्रदेव को
यह बात पता चली तो वह दक्ष प्रजापति के पास पहुँचे और उनकी सभी 27 कन्याओं से विवाह का प्रस्ताव रखा। हालांकि तब भी दक्ष ने अपनी पुत्रियों को समझाने का प्रयास किया कि चंद्रमा चंचल प्रवृत्ति के हैं, उनके साथ विवाह करने का विचार ठीक नहीं है। लेकिन जब बेटियां नहीं मानी तो दक्ष ने सभी का विवाह चंद्रदेव से करवा दिया। हालांकि चंद्रमा सभी पत्नियों में रोहिणी पर विशेष स्नेह रखते थे।